दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों करो या मरो में राहुल त्रिपाठी और गिल ने अपनी बल्लेबाजी से मचाया ऐसा हड़कंप जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के साथ दहल उठा पूरा हिंदुस्तानी खेमा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम मुकाबले में जीत की उम्मीद पर राहुल त्रिपाठी और गिल ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद विरोधी गेंदबाज भी दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम भी बेबस दिखाई दी। तो आखिरकार कैसे राहुल त्रिपाठी और गिल ने अपनी दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी से विरोधियों पर शिकंजा कसा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर करो या मरो के तर्ज पर भारतीय यंगिस्तान की टीम खेलने के लिए उतरी, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से टॉस जीत लिया। लेकिन इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनौतीपूर्ण फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा बदलाव युजवेंद्र चहल की जगह पर उमरान मलिक को खिलाकर किया। तो वहीं भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से ईशान किशन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत पदार्पण कर रहे गेंदबाज लिस्टर ने की, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर लहराती हुई गेंद के साथ बल्लेबाज ईशान किशन को काफी ज्यादा परेशान किया और एक भी रन नहीं बनाने दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने जांच परख कर एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल के सामने उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी की और हद से ज्यादा परेशान किया। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने गेंदबाज की लाइन और लेंथ को बेहतर तरीके से भांप लिया और गेंदबाज को चारों खाने चित्त करने के लिए ओवर की पांचवी गेंद पर बड़ा ही शानदार और एक बेहतरीन खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। साथ में भारतीय टीम की पारी का पहला चौका भी लगा लिया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक रन लेकर ओवर को समाप्त किया, जहां पर पहले ओवर में 6 रन आ गए। लेकिन इसके बाद अगला ओवर कराने के लिए पहले दो मुकाबलों की तरह फिर की गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल मैदान पर आए, जहां पर उनकी पहली गेंद पर गिल ने एक रन लेकर अपने ऊपर से जोखिम हटाते हुए बल्लेबाज ईशान किशन को स्प्राइट दे डाली, जहां पर ब्रेसवेल के सामने ईशान किशन काफी ज्यादा हैरान रह गए और ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ब्रेसवेल की फिरकी में फंस गए और LBW आउट हो गए। आपको बता दें ईशान किशन ने अंपायर के फैसले को चुनौती दे दी और DRS ले लिया, परंतु आज किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। हालांकि स्क्रीन पर क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दिया, ऐसे में थर्ड अंपायर ने अंपायर कॉल रखते हुए ईशान किशन के विपक्ष में LBW आउट का फैसला दे दिया। आपको बता दें ईशान किशन तीन गेंदों पर मात्र एक रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए अपना खाता एक रन के साथ खोल लिया। तो वहीं शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेसवेल की गेंदबाजी को समझकर सूझबूझ के साथ एक बेहतरीन खूबसूरत चौका लगा दिया और ओवर में 8 रन बटोर लिए। तो वहीं दोस्तों तीसरा ओवर कराने के लिए लॉकी फर्गुसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन और शानदार चौका लगा दिया। हालांकि यह चौका बिल्कुल सूर्या की टू कॉपी था, जहां पर उन्होंने विकेट से दूर जाकर पीछे की तरफ एक बेहतरीन 360 डिग्री वाला चौका लगाया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से पहले दो ओवर वाला कारनामा रिपीट कर दिया और उन्होंने भी एक खूबसूरत चौका लगा दिया। ऐसे में लॉकी फर्गुसन की गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दो चौकों की मदद से 11 रन बटोर लिए। ऐसे ही में अगला ओवर कराने गेंदबाज लिप्टर दोबारा से आए और एक बार फिर से गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया। हालांकि तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी आउट होने से बाल बाल बच गए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ने मात्र 5 रन दिए और बल्लेबाज को चारों खाने चित कर लिया। हालांकि अभी तक दोनों टीम बराबर स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए टिकनर मैदान पर आए। ऐसे में इस ओवर के अंदर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से अपना ट्रेडमार्क फ्लिप शॉट 4 रन के लिए निकाल लिया और गेंदबाज को चारों खाने चित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नहीं बल्कि दूसरा चौका बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेल डाला और लगातार दो गेंदों पर दो चौके लगा दिए। हालांकि शुभमन गिल इतने सही नहीं माने, उन्होंने इस ओवर में एक और चौका लगाकर 14 रन बटोर लिए और गेंदबाज को नेस्तनाबूद कर दिया। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए जैसे ही लॉकी फर्गुसन आए तो उनको भी दोनों बल्लेबाजों ने अपना निशाना बना लिया, जहां पर उनकी गेंदबाजी पर शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इससे भी खूबसूरत और 69 मीटर का एक लंबा छक्का अगली ही गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए लगाया। हालांकि यह तो काफी ज्यादा खतरनाक छक्का था, लेकिन यहां तक सिर्फ राहुल त्रिपाठी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। अब दोस्तों शुभमन गिल की बारी थी, जहां पर शुभमन गिल ने अजीबोगरीब बल्लेबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया और पावर प्ले का अंतिम गेंद पर एक रन लेने के साथ किस्मत का सहारा भी अपने नाम किया, जहां पर उनका एक बेहतरीन कैच फील्डर ने 33 रन के स्कोर पर छोड़ दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पावर प्ले में 58 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन का आंकड़ा भी जरूर पूरा कर लेगी।
लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।